नमस्कार दोस्तों, जीनियस इंग्लिश टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज लेक्चर 2 है, देखते हैं। बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 है और इसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ और प्लस चैप्टर का जो डिस्कशन था, चैप्टर का जो टॉपिक था, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट जो पैराग्राफ में बोला जा रहा है, पूरा इन द मिडेस्ट ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ में दुनिया की सभ्यता के बारे में गांधी जी बोले और बोले कि सभी देश की सभ्यता क्या हो चुका है, बदल चुका है, लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो अभी भी क्या है, जीवित है, अभी भी क्या है, विकसित है, और बोले कि यही हमारी पहचान है। ये दूसरा पॉइंट जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें बोले इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इमोवेबल एक बड़े, यहाँ पे क्या है इमोवेबल, इमोवेबल का अर्थ होता है अटल, इमोवेबल का अर्थ क्या होता है अटल, जो बदल नहीं सकता है। और बोला कि इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट का अर्थ होता है के बीच में, मिडेस्ट का अर्थ क्या होता है के बीच में, और रिमेन्स का अर्थ होता है, रिमेन्स का अर्थ क्या होता है, एंड दैट इज हर ग्लोरी। बोले कि पूरी दुनिया की सभ्यता जो क्या हो चुकी है, बदल चुकी है, और इस बदलते हुए सभ्यता में भी हमारी सभ्यता आज अटल है, बदल नहीं सकता हमारी सभ्यता, रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही तो हमारी क्या है, शोभा है। ग्लोरी वर्ड जो है इसका अर्थ क्या होता है, शोभा, इसका अर्थ क्या होता है, शोभा, यही तो हमारी शोभा है, यही तो हमारी पहचान है। यदि पूरे देश की सभ्यता बदल गया और साथ साथ में हम भी बदल जाते, मतलब पूरे देश की सभ्यता और हमारे देश की सभ्यता में कोई अंतर नहीं रह जाता। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर को पढ़ेंगे लास्ट तक तो पता चलेगा कि भारत में एक ऐसी सभ्यता विकसित किया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी बताया गया है, जो पूरे दुनिया में नहीं कोई इस प्रकार की सभ्यता को बनाया है। और देखेंगे, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडेप्ट एनी चेंजेज। और बोले इट इज ए चार्ज, चार्ज का अर्थ क्या होता है, भार, इट इज ए चार्ज, चार्ज का अर्थ क्या होता है, भार। बोले यह भारत माता, इंडिया कहने का मतलब क्या हो गया, भारत माता, यह भारत माता के विपरीत, भारत माता के खिलाफ यहाँ के जो लोग है ना, एक भार बने हुए हैं। ए चार्ज, पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, क्या भार है कि यहाँ के लोग जो है ना, इतने असभ्य है। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या, असभ्य, और सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य, इतने असभ्य है, इतने अज्ञानी है, इतने असभ्य है, इतने अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट का मतलब क्या हो गया, अज्ञान, या स्टॉलिड का मतलब होता है हड्डी, और अनसिविलाइज्ड का मतलब हो गया असभ्य, इग्नोरेंट का मतलब हो गया अज्ञानी जो अनजान है, और स्टॉलिड का अर्थ होता है हठ धर्मी जिद्दी। यहाँ के लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने असभ्य हैं, इतने जिद्दी हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम। इंड्यूस कहने का मतलब हो गया, इंड्यूस कहने का मतलब हो गया प्रलोभन देना, मनाना, देम टू अडॉप्ट, और अडॉप्ट का अर्थ होता है ग्रहण करना, अडॉप्ट का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना, एनी चेंजेस। बोले फिर से, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, बोले सारी देश की सभ्यता बदल गई, और मिडेस्ट का अर्थ होता है के बीच में, और इसके बीच में बदलते हुए सभ्यता के बीच में जो हमारी सभ्यता है वो क्या है, अटल है, और यही हमारी शोभा है, यही हमारी भारत माँ की शोभा है। अगले पैराग्राफ में थोड़ा सा भारत माता के विरुद्ध जाकर लिखते हैं गांधी जी कि इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, बोले यह भारत माता के खिलाफ आज बदलते हुए युग में एक भार बनकर रह गया है, यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जो पब्लिक है, इतने अज्ञानी हैं, इतने असभ्य हैं, इतने जिद्दी हैं कि संभव ही नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर
हम उसकी सभ्यता में छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसा कि देखते हो उनकी सरकार अभी बहुत सारी प्रलोभन दे रही है गर्ल्स स्टूडेंट को, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, फिर भी ऐसे ऐसे हर धर्मी और जिद्दी व्यक्ति मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हम अपने बाल बच्चा को, खास करके हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो इसी पे लिखे लाइन्स कि यहाँ के जो लोग हैं इतने ही अनसिविलाइज्ड हैं। अनसिविलाइज्ड का मतलब मतलब असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, जिद्दी हैं कि उनको किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर आप चाहेंगे कि उसकी सभ्यता में परिवर्तन करा दें किसी भी प्रकार का, तो यह संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखे हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। और गांधी जी बोले कि अब वास्तविकता में हमारे गुण के खिलाफ एक भार बना हुआ है। मेरिट का मतलब क्या होता है? गुण। हमारे गुण के खिलाफ एक भार बना हुआ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक वर्ड मिला एनविल, एक्सपीरियंस वर्ड आप जानते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अब एनविल का अर्थ क्या होता है? एनविल का अर्थ होता है अस्थूना। एनविल का अर्थ क्या होता है? अस्थूना। अस्थूना वर्ड कहाँ आपको मिला देखिए बताते हैं। कभी आप अगर लोहार के दुकान पे जाएंगे तो जो लोहार है, जो जिस चीज पे रख के किसी भी वस्तु को बनाता है, शेप देता है, पीटता है, तो उसका जो निचला भाग है उसे अस्थूना बोला जाता है। देखिए ये वाला भाग, ये देख रहे हैं, ये जो भाग है यही अस्थूना है। इसी पे रख कर देखिए, हथौड़ी से रखकर इस पर क्या करता है? पीटता है। तो इसी को अस्थूना बोलते हैं। इस पर दिन भर में कितना चोट लगता होगा आप बताइए। तो गांधी जी क्या बोले कि मैंने इसको इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, इट इज ए चार्ज रियलिस्ट अगेंस्ट आवर मेरिट, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। बोला कि मैंने अपने अनुभव के अस्थूना पर इसको जांचा है, परखा है और सही पाया है। क्या सही पाया है? कि यहाँ के लोग में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आप कर सकते हैं, इतना अज्ञानी, इतना हठधर्मी और इतना जिद्दी है। बी डेयर नॉट चेंज। बोले कि हमको तो बदलने का साहस हुआ ही नहीं। बी डेयर नॉट चेंज। हम लोग अपने सभ्यता में बदलाव लाने की साहस नहीं रखते हैं। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बोले बहुत सारे लोग, एनी थ्रस्ट, बी डेयर नॉट चेंज। गांधी जी तो क्या बोले कि हमको बदलने का साहस नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अज्ञानी, हठधर्मी और जिद्दी हैं कि वो अपने सभ्यता में किसी भी प्रकार को बदलाव को तैयार नहीं है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस। थ्रस्ट देयर एडवाइस एक वर्ड यहाँ पे है। क्या? थ्रस्ट देयर एडवाइस। थ्रस्ट देयर एडवाइस का एक अर्थ हो गया कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना सलाह भारत पे दिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपना सलाह भारत को दिए, अपना सलाह भारत को दिए, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं है। अपॉन इंडिया एंड सी रिमेंस स्टडी। और वो क्या रही? तो वो एक धैर्यता बनाए हुए अपने पे कायम रही कि हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग यही चाहते हैं। देखते हैं आगे, ये अस्थूना है। अभी बताए थे कि एनविल, एनविल का अर्थ होता है अस्थूना। अस्थूना क्या होता है? निहाई, जिसपे लोहार रख कर कोई किसी वस्तु को शेप देता है, पीटता है, लोहा का बना हुआ होता है। This is her beauty, it is the seat anchor of our hope. Beauty का अर्थ होता है सौंदर्य। Beauty का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य। और seat anchor का अर्थ होता है सुरक्षा कवच। Seat anchor का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा कवच। और बोले कि यही तो हमारी सुरक्षा कवच है, यही तो उसकी सुरक्षा कवच, यही तो उसकी सौंदर्य है। यदि सब लोग सलाह दिया और हम अपनी सभ्यता में परिवर्तन ले आए, मतलब सभी लोग और हमारी में कुछ अंतर नहीं है। यही हमारी सीट एंकर ऑफ आवर होप, हमारी आशाओं का
दिस इज हर ब्यूटी और इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होम। सीट एंकर का अर्थ होता है सुरक्षा कवच, और यही हमारी आशाओं का क्या है, सुरक्षा कवच है, यही तो हमें जीवित रखे हो कि हमारी सभ्यता बदलने वाला नहीं है। बोले सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स ऑट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे, चूंकि आपको पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, तो जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना तो लाइन्स आपको याद रहना चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स ऑट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। बोले सिविलाइजेशन है क्या, मोड ऑफ कंडक्ट, कार्य करने का आचरण का वह तरीका है। सिविलाइजेशन क्या है, कार्य करने का और हमारे आचरण का वह तरीका है, विच पॉइंट्स ऑट मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो आदमी को उसके अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए बतलाता है। पॉइंट ऑट का मतलब दिशा देना। वो सभ्यता है क्या, तो सभ्यता हमारी कार्य करने का तरीका को और हमारे जीवन का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य पे चलने के एक मार्ग को बताता है, एक मार्ग को रास्ता देता है, यानी सही दिशा देता है। अब कोई बोलते सभ्यता क्या है, तो सभ्यता हमारे जीवन जीने का क्या है, कला। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, कार्य करना, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, कार्य का प्रदर्शन, कर्तव्य करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी और कन्वर्टेबल टर्म्स, और नैतिकता का अवलोकन करना, ये दोनों ही बिल्कुल क्या है, एक कन्वर्टेबल टर्म्स है, बदलने वाली स्थिति है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर माइंड्स एंड आवर पैशन, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। यदि आप नैतिकता की अवलोकन करते हैं अपने आप में, तो इसका मतलब है आप अपने दिल दिमाग और साहस पैशन भावनाओं पर क्या कर रहे हैं, काबू पा रहे हैं। अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन, हम अपने दिल दिमाग पे क्या कर रहे हैं, निपुणता हासिल कर रहे हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और ऐसा कर कर हम अपने आप के बारे में खुद को क्या करते हैं, जानते हैं। हम अपने आप को बारे में खुद के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। गुजराती फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, देखेंगे यहाँ पे गुजराती फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, ये भी आपको याद रखना है कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। सभ्यता क्या है, तो हमारी अच्छी आचरण को ही सभ्यता बोला जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो गुजराती फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। If this definition be correct, definition का मतलब परिभाषा होता है, correct का मतलब होता है मतलब सही। यदि यह परिभाषा सही है, कौन सा परिभाषा, कि गुजराती for civilization means good conduct, कि गुजराती में civilization का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। यदि यह सभ्यता क्या है, सही है, तो क्या करना है, यदि यह परिभाषा सही है, then India has so many writers have shown और nothing to learn from anybody else and this is at should be। तो यदि ये जो परिभाषा कि गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण, यदि ये परिभाषा सही है, तो जैसा कि बहुत सारे लेखक ने भारत के बारे में लिखा है, have shown, अपने विचार को दिखाया है, nothing to learn from anybody else, कि किसी दूसरे की सभ्यता से हमको सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, nothing, कुछ भी जरूरत नहीं है, और फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, और हमारी जैसी सभ्यता वैसा ही रहना चाहिए, कोई बदलाव उसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब पैराग्राफ 5 कह रहा है वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। देखिए पैराग्राफ यहाँ और यहाँ में अंतर है, बताए थे कि एक्सट्रैक्ट है, और एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि जो लाइन्स होता है बीच बीच में से लिया जाता है, इसलिए देखिए बिल्कुल पैराग्राफ 4 और 5 में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई मतलब रेगुलरिटी नहीं है, अलग ढंग का हो गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इन लाइन को नोटिस करना है, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। और कितना बढ़िया लाइन लिखा है, इस लाइन को भी अंडरलाइन करिए, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड,
द मोर इट गेट्स द मोर इट बर्न्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। गांधी जी बोले ना कि हम ऐसा देखे हैं कि जो हमारा दिमाग है ना वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। हमारा जो दिमाग है वो क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना यह चाहता है, जितना यह चाहता है। वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह हमारा क्या है, दिमाग है। द मोर इट गेट्स, जितना इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, और उतना ही और प्राप्त करने की कोशिश करता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वो क्या रहता है, असंतुष्ट ही रहता है। बहुत बढ़िया लाइन लिखे हैं, बहुत बढ़िया रियली में लाइन लिखे हैं कि हमारा जो दिमाग है ना वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना इसको मिलता है उतना ही चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है, उतना मिल जाता है। सपोज दैट आप इमेजिन करिए कि यदि हम स्कूल या कोचिंग क्लास जा रहे हैं, अपने बचपन का दिन याद करिए, और ऐसा हुआ होगा कि कोई विद्यार्थी साइकिल से जाता होगा और कोई विद्यार्थी पैदल जाता होगा, तो पैदल जाने वाले जो विद्यार्थी है ना उसके मन में एक विचार आता है, काश मेरे पास भी साइकिल हो जाता, वो चाह रहा है, काश मेरे पास भी एक साइकिल हो जाता तो हम भी जल्दी पहुंच जाते, बहुत दूर है पैदल आना पड़ता है। भगवान उसकी सुन लिए, उसको साइकिल मिल गया, क्या वो साइकिल से संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, साइकिल कुछ दिन के चलाने के बाद कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बाइक से आते थे, तो फिर हम साइकिल जैसे ही लेंगे ना, हमको मिल गया उसकी चाहत रखे, और जैसे ही साइकिल से आगे बढ़ेंगे कुछ दिन के बाद हमको भी लगेगा कि नहीं साइकिल में बहुत लफड़ा है, पेंडल मारते रहते हैं, थक जाते हैं, यदि हवा के विपरीत चलाना है तो और प्रॉब्लम है। तो फिर हमारे मन में फिर से एहसास होता है कि यदि बाइक होता ना तो हमको ये सब झंझट नहीं होता। ये आम अवधारणा है, ये आम सोच है, मेरी नहीं सबकी सोच है। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप अपने पर फीलिंग करिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। यदि हमको बाइक भी मिल जाए, भगवान बोले कि चलो बाइक भी एक दवा दिए, बहुत तुम दुखी हो, क्या फिर बाइक से हम संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, फिर हम जैसे ही किसी कार वाले को देखेंगे जाते और वर्षा में हम भींग जाएंगे, ठंड के दिन में ठंड लगेगा, गर्मी के दिन में गर्मी लगेगा, और देखेंगे कि फोर व्हीलर वाला शीशा पैक करके वर्षा में भी निकल गया, गर्मी में भी निकल गया, एसी चलाते हो, तो हमारे मन में सहसा एहसास होगा कि काश सब बाइक बढ़िया चीज नहीं है, ये क्या होना चाहिए था, हमारे पास यदि कार होता ना तो हम भी निकल जाते, कार भी मिल जाएगा फिर भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि हम एरोप्लेन की चाहत, हो सकता है उसकी भी चाहत रखने लगे, लेकिन इतना तो जरूर कि उसमें क्वालिटी ढूंढने लगेंगे। तो ये जो लाइन है ना वो बहुत सटीक लिखे हैं कि बी नोटिस दैट, मैंने ध्यान दिया, मैंने ऐसा देखा, क्या देखा, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि जो हमारा दिमाग है एक बेचैन पक्षी की तरह है, और क्या करता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, जितना चाहता है उतना मिलता है, फिर भी ये क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम। वाह कितना बढ़िया लाइन है, द मोर बी इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है उलझना, फंसना, चाहत रखना। द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशन, पैशन का अर्थ क्या होता है, भावना, जितनी हम अपनी भावनाओं के साथ बहेंगे, जितनी हम अपनी भावनाओं में उलझेंगे, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, और अनब्रिडल का अर्थ होता है, अनब्रिडल का अर्थ होता है अनियंत्रित, अनब्रिडल का अर्थ क्या होता है, अनियंत्रित, जितनी हम अपनी भावनाओं में बहेंगे, जितनी हम अपनी भावनाओं को बढ़ाएंगे कि हमको कार चाहिए, हमको बाइक चाहिए, हमको एरोप्लेन चाहिए, या बहुत सारे कुछ भी चीज को, जितनी हम अपनी भावनाओं को बढ़ाएंगे उतना ये हमसे क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, उतना हमसे क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। आप बुक निकाल लीजिए और आप भी बुक में देखिए लाइंस, लाइंस जब तक नहीं देखेंगे पैराग्राफ क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जो आपको क्या करना है, बनाना है। तो
जितनी हम अपनी भावनाओं में उलझेंगे उतना वो हमसे क्या होता जाएगा, नियंत्रित होता जाएगा। मान लीजिए कि यदि हम आज गांव में रह रहे हैं और पहले गांव में लोग रहते भी थे तो इलेक्ट्रिक नहीं हुआ करता था तो लोग आराम से जीते थे, गर्मी था कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक हुआ तो उन लोगों ने फैन लगा लिया। अब जब तक लाइट नहीं आता है फैन नहीं चलता, नींद नहीं आता है। पहले कैसे नींद आता था, क्योंकि हम हाँ यदि हम एक बार एसी में रहना चालू कर दिए तो बिना एसी को हमको नहीं बनेगा। तो जितनी हम अपनी भावनाओं में उलझेंगे उतना वो हमसे क्या होता जाएगा, अनियंत्रित होता जाएगा। आवर इंसेक्टर देयर फॉर सेट ए लिमिट। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किए, आवर इंसेक्टर, इंसेक्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। पूर्वज मतलब जो हमारे आगे की पीढ़ी, दादा परदादा, उनके पिताजी, उनके पिताजी। तो बोले कि इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया है कि देयर फॉर मतलब इसलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। उन्होंने अपनी उलझनों, उन्होंने अपनी भावनाओं का एक सीमा तय कर लिया था कि इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं सोचना है, बस इतना ही काम करना है। तो क्या कर लिए थे, दे सा दैट द हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। और उन्होंने देखा कि जो ये खुशी है, हैप्पीनेस है, किसी के पास प्रसन्नता है, उसको धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। खुश रहना एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक अवस्था है कि कोई व्यक्ति कितना खुश रह सकता है, उसको धन पैसा से कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसा होता तो सिर्फ धनी लोग ही खुश रहते, गरीब लोग तो बेचारा कभी खुश होता ही नहीं। फिर देखेंगे आगे का पैराग्राफ, बताए ही उस चीज का ही उन्होंने जिक्र किए है पैराग्राफ 6 में। वो रहे, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। नेसेसरली का मतलब होता है जरूरी, और हैप्पी का मतलब खुश। कोई आदमी खुश है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और ही इज पुअर। कोई आदमी खुश है कि ना खुश है ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो गरीब है कि अमीर है। अमीर है इसीलिए खुश है और गरीब है इसीलिए दुखी है, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब खुश रहना और ना खुश रहना एक गरीबी और अमीरी पे कभी डिपेंड नहीं करता, नहीं निर्भर है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। गांधी जी बोले तो हमको उल्टा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि अक्सर हम देखते हैं ना कि अमीर लोग ही क्या रहते हैं, ना खुश रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, और गरीब लोग क्या रहते हैं, खुशी रहते हैं। 100 नहीं 110% सच्चाई बताइए हम। ऐसा है कि अमीर लोग ही ज्यादा दुखी हैं, गरीब लोग खुश हैं। यदि आप इसी को प्रमाण और प्रूफ के तौर पे देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि झुग्गा झुप्पी में रहने वाले लोग, फ्रॉम हैंड टू माउथ, जो रोज कमाना और रोज खाना पर डिपेंड है, जैसे मतलब बाथरूम साफ करने वाले आपके यहाँ तक, देखेगा कि एक से दो को बाथरूम साफ करेगा उसके बाद वो चला जाएगा, कल के लिए सोचेगा, फिर कल दो को बाथरूम मिलेगा साफ करेगा। और घड़ी के टाइम से देखिएगा 6-7 बजे शाम के पास जाइएगा तो वो अपने पूरे फैमिली के साथ, ऐसा हमने देखा है पटना में भी बहुत बार झुगर झुप्पी के समय अगर गुजरने का मौका मिलता ऐसा है तो क्या होता है कि वो शाम में ही सभी लोग खा पी कर एकदम पूरी तरह से गाना बजा कर देखते, सब लोग डांस करते रहता, नाचते रहता। और उसके बाद आप चले जाइए कोई बहुत बड़ा मंडी में, जीएम रोड में चले जाइए, जो दवा का कम बहुत बड़ा मंडी, वहां 12-11 बजे तक लोग क्या करते रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के हिसाब करते रहते हैं किसको कितना दिया कैसे आया नहीं है। जो 12 बजे तक काम करेगा फिर जाएगा घर, 1-2 बज जाएगा, सुबह में फिर दुकान खुलना है, मतलब वो दिमाग में इतना उसका टेंशन भरा हुआ है कि यदि आज 1 लाख कमाए हैं तो कल हम इसको 2 लाख में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बताइए खुश कौन है, वो जो लोगों को बाथरूम साफ करके भी अपना जाकर परिवार के साथ 6-7 बजे से ही क्या कर रहा है, खुशी मना रहा है। तो गांधी जी ने जो बोले कि क्या, बिकॉज ही इज रिच और ही देखे द पुअर हैप्पी आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जो धनी लोग हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं, और द पुअर टू बी हैप्पी,
और अमीर जो गरीब लोग हैं वो क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, अब जितना लखपति या करोड़पति है वो सब क्या रहेगा, गरीब ही रहेगा। उस गरीब अमीर हो सकता है लेकिन वो खुश नहीं रह सकता। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना, देखना, जांचना, परखना। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी चीजों को देखकर आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर का मतलब क्या, पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वजों ने हम लोग को क्या किया, मना किए। डिस्यूड का मतलब क्या होता है, मना करना। हमारे पूर्वजों ने मना किए, किस चीज से मना किए, सब सारे चीजों को देखकर, लग्जरियस से एंड प्लीजर से, बोले आराम के फेरा में मत रहना बेटा, लग्जरियस आरामदायक चीजों के, और प्लीजर्स ज्यादा खुशी और आनंद के फेरा में मत रहना। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉ एज एग्जिस्ट थाउजेंड्स इयर्स अगो, बोले कि हम लोग को उसी प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए जो आज से हजार साल पहले हमारी सांस्कृतिक थी। आज से फ्लॉ एज एग्जिस्ट थाउजेंड इयर्स अगो, हम लोग को उसी प्रकार से व्यवस्था करना चाहिए, सेम काइंड ऑफ फ्लॉ, जिस प्रकार से हमारी सौ साल हजार साल पहले की व्यवस्था थी। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, हम लोग को उसी प्रकार की कॉटेज, कुटिया, झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए जो पहले था, और हमारी घरेलू शिक्षा, इंडिजिनियस एजुकेशन, इंडिजिनियस का मतलब हो गया घरेलू, स्वदेशी, हमारे घरेलू शिक्षा वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि पहले हुआ करता था। घरेलू शिक्षा, किताबी शिक्षा नहीं, घरेलू शिक्षा क्या होता है, कैसे बड़ों को आदर करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार, बातचीत, जो सिविलाइजेशन है, हमको उसी प्रकार का रहना चाहिए जैसा कि पहले हुआ करता था। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरोडिंग, बोले कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। वी हैड नो सिस्टम, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लाइफ कॉरोडिंग कंपटीशन, लाइफ कॉरोडिंग कंपटीशन कहने का मतलब हो गया कि हम कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में हम अपने जीवन को धीरे धीरे करके बिगाड़ दें। प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब कि चाइना ने ये बना लिया, वो बना लिया, अमेरिका ये बना लिया, वो बना लिया, साइंस के क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट कर गया तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी बना लेंगे, नहीं। बोले कि किसी के प्रतिस्पर्धा में आकर हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम अपने जीवन को बर्बाद कर दें। लाइफ कॉरोडिंग कंपटीशन नहीं करना है, जीवन को बर्बाद करने वाली कंपटीशन बोल रहे हैं कि नहीं करना है। इच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, क्या था कि हमारे यहाँ सब अपना पेशा का पालन करते थे और ट्रेड, सबका अपना अपना व्यापार होता था, एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और उनको नियमित मजदूरी मिलता था। सब लोग का अपना पेशा था, जाति के आधार पर पेशा बटा हुआ था, बड़ी है कारपेंटर है तो बढ़ी है तो किसी का काम करेगा, लकड़ी का काम करेगा, लोहार है लोहा का, सुनार है सोना का, यादव जी है तो दूध बेचेगा, तो सबको कास्ट के आधार पे रोजगार मिलता था और कोई भूखे नहीं मरता था, कोई आदमी बेरोजगार नहीं था। आज बेरोजगारी जो एक मुद्दा है, बेरोजगार की बेरोजगारी किसने पैदा की, हमारे शिक्षा, हमारे एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। गांव में ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी, कोई आदमी बेरोजगार है, सबके पास अपना अपना काम हुआ करता था और सबकी जीवन चला करता था, सबकी, कोई भूख से नहीं मरता था, उसको एक रेगुलर वेज मिलता था, वेज का मतलब हो गया मजदूरी। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। गांधी जी बोल दिए कि ऐसा नहीं कि तुम शक कर लेना कि हमारे पूर्वजों को मशीन बनाना ही नहीं आता था तो वो बनाएंगे क्या, नहीं, ये भूल में मत रहिएगा। इट वॉज नॉट दैट, इसका मतलब यह नहीं हुआ, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन, बोले भी मतलब हम लोग, मतलब हमारे पूर्वज ये नहीं जानते थे कि मशीन को कैसे
मशीन कैसे बनाएंगे, कैसे उपयोग करेंगे, बट आवर फोर फादर्स न्यू, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, इतना जरूर जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर ऐसी वस्तुओं के पीछे, ऐसी वस्तुओं को पीछे यदि हम अपनी आत्मा को, दिल दिमाग को लगाएंगे, और इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम हो जाएंगे। स्लेव्स का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपने नैतिकता को खो देंगे। बताइए, बताए थे कि लिटरेचर कोई पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि इनको कैसे पता था कैसा होगा, तो हमारे पूर्वजों ने बोले थे, हमारे दादा ने बोले थे, क्या बोले थे कि ऐसा मत सोचना कि हमको मशीन बनाना नहीं आता है, हम मशीन बना भी सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इसको सोचकर, इसका परिणाम क्या होगा इसको सोचकर उन्होंने मशीन नहीं बनाया। इसका परिणाम क्या होगा कि हम ऐसी वस्तुओं के पीछे अपना दिल दिमाग लगा बैठेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, उसका गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, हम अपने नैतिकता को खो देंगे। आज हुए कि नहीं, हम उनकी बातों को नहीं माने और हम अपने इस इन्वेंशन के पीछे अपने दिल दिमाग को लगा दिए, पता चलता है कि अब 10 किलोमीटर भी पैदल हम लोग को चलना पड़ता है तो लगता है कैसे संभव है। लोग पहले हजार हजार किलोमीटर तक यात्रा पैदल कर लेते थे। एक दिन अगर किसी शहर में हड़ताल हो जाए तो मानो कि अगला दिन पेपर में खाली छप जाएगा, कोई न्यूज ही नहीं रहेगा, क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हुआ, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी क्या हो गया, 2 किलोमीटर जाना रहता है, उसमें ऑटो से लोग जाते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हमारे पास ये मोबाइल नहीं रहे ना तो हम लगे कि क्या पूरी दुनिया से गायब हो गए, बेचैनी सी छाएगा, नेट नहीं रहे तो क्या हो गया, हम इसका गुलाम हो गए, हम इसका क्या हो गए, गुलाम हो गए। इसी के चलते हमारे पूर्वज ने बोले कि हम जानते हैं कि मशीन कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि हम गुलामी में जिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गुलामी को देखा है और वो गुलामी को फिर से अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सोचे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब बहुत सोचा विचारा, ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब बहुत सोचे और विचारे, और बहुत सोचे और विचारे, डिसाइडेड दैट, और उसके बाद जाकर निर्णय लिए, उसके बाद जाकर निर्णय लिए क्या कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोग को वही काम करना है जिसमें हम अपने हाथ और पैर का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि हम अपने हाथ और पैर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन जीवित होंगे, ऐसा नहीं है, इसको प्रयोग करने से ही ज्यादा दिन जीवित हो रहेंगे, प्रयोग ना करने से नहीं। आपको एहसास हो रहा होगा अभी COVID-19 के चलते आप कोचिंग में छुट्टी चल रहा है, आप लोग अपने अपने गांव गए होंगे, बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर मिला होगा कि खेलने का कुछ, कोई भी गेम जैसे क्रिकेट खेल लिए होंगे, अगला दिन पता चला होगा कि पूरा हाथ में दर्द हो गया, क्यों, क्योंकि इस सिस्टम को हमने अपना क्या कर लिया, जाम कर लिया, कभी वर्क किए नहीं और एकाएक काम किए तो जरूर है कि सर भार पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वजों ने बताया कि इट वॉज नॉट दैट शक ना हो, इसीलिए गांधी जी बोले कि ऐसा मत भ्रम में आ जाना, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कैसे हम मशीन बना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, ऐसी वस्तुओं के पीछे हम अपने दिल दिमाग को लगाएंगे क्या हो जाएगा उसका परिणाम, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, therefore after due deliberation, इसीलिए बहुत सोचे विचारे और उसके बाद निर्णय लिए, नहीं कि हमको वही काम करना है जिसमें हम अपने हाथ पैर का प्रॉपर प्रयोग कर सके। देखते हैं, बोले they saw that our happiness and health consist in proper use of our hands and feet, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यह देखा, उन्होंने यह परखा, जांचा और पाया ना कि दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमारा वास्तविक में स्वस्थ रहना इस चीज पे निर्भर करता है कि हम अपने हाथ का प्रॉपर यूज, हम अपने बॉडी का प्रॉपर यूज कितना कर पाते हैं।
दिखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, वास्तविक में हमको खुशी तभी मिलेगा ना जब कोई काम हम अपने हाथ और पैर के बदौलत करेंगे। दे फर्दर रीजन दैट, आगे उन्होंने कुछ कारण बताए, लार्ज सिटीज बेयर ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकंबरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। दे फर्दर रीजन दैट, उन्होंने आगे कुछ कारण बताए। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड आवर फोर फादर्स नॉट लाइक लार्ज सिटीज, हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो बुजुर्ग हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े शहरों को पसंद क्यों नहीं करते थे। अब इसके पीछे क्वेश्चन है, याद रखें कि हमारे पूर्वज बड़े शहरों में रहना पसंद करते थे क्यों नहीं करते थे, वो छोटे छोटे गांव से संतुष्ट क्यों थे, इसके पीछे कारण क्या था। दे फर्दर रीजन दैट, उन्होंने आगे कारण बतलाए, लार्ज सिटी बेयर अ स्नेयर, अ स्नेयर का मतलब हो गया जाल, एंड यूजलेस, यूजलेस का मतलब हो गया बिना मतलब का, और इनकम्ब्रेंस का मतलब हो गया भार, अनुपयोगी भार। बोले कि जो उन्होंने रीजन बताया कि हम बड़े बड़े शहर में रहना पसंद क्यों नहीं करते हैं, तो बोले कि बड़े बड़े जो शहर होगा ना वो एक जाल की तरह होगा, एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और वहां अनुपयोगी भारे होगी। जाल की तरह क्या होगा आप पता है ना, बड़े बड़े शहर में आप रहते हैं ना, 2 BHK का फ्लैट खरीद लीजिए और उसी में घूमते रहिए। जितना 2 BHK का फ्लैट रहता है ना बड़े शहर में, उससे बड़ा हमारे गांव में दूरा और दलान रहता है। तो वो बड़े बड़े शहर से इसीलिए संतुष्ट नहीं थे कि वो लाल शहर को एक जाल की तरह देखते थे, जाल में से जिसे कोई आदमी फंसा हुआ है। आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, एक रूम ले लिए और मकान मालिक का इंस्ट्रक्शन सुनिए, 10 बजे के पहले आ जाना है, सुबह में 6 बजे के बाद में खुलेगा, मतलब आयरन नहीं करना है तो छत पे नहीं जाना है, खिड़की नहीं खोलना है, क्या है, यह एक जाल है कि हम जाल में पैक हो गए। तो बड़े बड़े शहरों को उन्होंने क्या बताया कि एक जाल की तरह होगा और अनुपयोगी भारे होगी, जिसका कोई जरूरत नहीं है। अनुपयोगी भार कहने का मतलब हो गया कि देखते हो कि एक व्यक्ति है ना और 4-व्हीलर से जा रहा है, बहुत बड़ा गाड़ी लियो जिसमें 10-12 जा सकता है, क्या जरूरत था, वो साइकिल से भी जा सकता था, बाइक से भी जा सकता था 2 आदमी, जबकि अकेले वो जा रहा है, ये अनुपयोगी भार है, ये अनुपयोगी भार है, और दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग इन सबों के बीच में खुश नहीं रह सकते हैं। इन ऐसी उनकी अवधारणा थी कि लोग इन सब के बीच में खुश नहीं रह सकते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और क्या बोले कि बड़े बड़े शहरों में बाप क्या होगा, देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का अड्डा होगा, एंड रॉबर्स, रॉबर्स कहने का मतलब हो गया डकैतों का अड्डा होगा, रॉबर्स का मतलब डकैत, गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब चोरों का झुंड, और प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता वेश्यावृत्ति, वेश्या, और वहां पे वेश्याओं का केंद्र होगा। सब बड़े बड़े शहर में है, छोटे छोटे गांव में नहीं, चोरों का कोई अड्डा नहीं मिलेगा, चोर मिलेगा सब नॉर्मल, लेकिन जितना भी बड़ा बड़ा चोर है सब बड़े बड़े शहर में, डकैत है बड़े बड़े शहरों में, वेश्या है सब बड़े बड़े शहरों में, एंड वाइस फ्लोरेसिंग, वाइस का मतलब होता है अपराध, और फ्लोरेसिंग का मतलब होता है क्या, फलना फूलना, और अपराध वहां बढ़ेगा फलेगा फूलेगा इन देम, उन सब के बीच में, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और क्या उन्होंने एक बताया कि जो गरीब लोग होगा अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाएगा। शहर में ऐसा ही है, गरीब लोग है जो अमीर लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। यहाँ से ग्रामीण इलाका से लोग जाते हैं, गलती से किसी का तबियत खराब हो गया, हॉस्पिटल वाला मानो लूट कर रख लेता है, वो अमीर लोग हैं, और हम गांव के रहने वाले गरीब लोग हैं, तो क्या करेगा कि अमीर लोग गरीब लोगों को लूटेगा, और दे देयर फोर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, इसीलिए वो छोटे छोटे गाँव से क्या थे, संतुष्ट थे, इसीलिए वो छोटे छोटे गाँव से क्या थे, संतुष्ट थे, छोटे छोटे गांव से क्या थे, संतुष्ट थे। रहने दीजिए, इसके बाद अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-4-5 पार्ट में करके एकदम हर पार्ट को बारीकी से पढ़िए, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा ऐसा संभव नहीं है, फिर 2 नंबर का भी क्वेश्चन देंगे,
जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब देंगे और सबको हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से सेंड करते रहेंगे। अब ये इट इज योर ड्यूटी टू रीड, ये आपका कर्तव्य है कि पढ़ना, चूंकि हम आपको सामने देख नहीं रहे, क्लास में है नहीं कि जबरदस्ती होमवर्क चेक करेंगे। यदि आप बना लिए हैं तो उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हम बना लिए हैं, टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं कि सर हम बना लिए हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है जरूर पढ़िए। थैंक यू।